हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस टाइम तैयार हो गई हूँ। आज दोपहर हो रही है बहुत ज़्यादा। वैसे तो जा रही थी रूम की सफाई करने। अगर आप लोग जानते हैं कि मेरी नंद यहीं रहती हैं दीदी, तो वो आ जाई हैं परिक्रमा वगैरह, यानी दो दिन हो गए उन्हें आए हुए। तो वो साफ़ सफाई करने में अपना लग रही थी। अब आई थी थकी हुई, तो मैं हम लोग गए नहीं थे, तो आज जा रहे थे क्योंकि शिव भी कह रहे थे चलो मम्मी बुआ के यहाँ चलते हैं। इसी का तो हुआ ही, वो तो ट्यूशन उधर ही जाती है ना, तो वो अपने मिल के आ गई थी। बस शिव नहीं पहुँचे हैं, शिव हमारे सारे हैं अभी, तो वो इसलिए जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर। दीदी क्या, हमने कहा चलो आप लोगों से भी वो कर देते हैं। और यहाँ पे ये ईशिका तैयार हो गई है ट्यूशन के लिए। वैसे दीदी ने प्रसाद भेज दिया है, तो ये देखना, ये प्रसाद में ये लाई थी दीदी, दो हैं, एक ये दो कॉटन के ही हैं दोनों। और प्रसाद वगैरह भी भेज दिया। ये दो कान्हा जी के कपड़े लेके आई थी दीदी, तो ये सब भेज दिया है, छाए वगैरह। मगर गांव अपने गांव पे भी गई थी ना, तो वहाँ उनके यहाँ छाए वाए होती है, तो वहाँ से छाए वाए लेके आई थी, तो वो भी भेज दिए। मगर मैं सोच रही चलो मिली आती हूँ चल के, क्योंकि फिर वो है तो पास में, मगर नहीं हो पाता है निकलना घर से। और बच्चे आज से वैसे भी ज़्यादा जिद कर रहे थे, नहीं बुआ के यहाँ चलो, बुआ के यहाँ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे इशिका और शिव सब तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई, ताला लगाने जा रही थी। तो यहाँ पे ये पर्चियाँ आज कितनी तेज़ डाल के रखी इन लोगों ने। इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़। दोपहर का ही टाइम है, इनकी दोपहर में ही ट्यूशन है, तो जाना ज़रूरी है। छोड़ेंगे जाके वहीं पे, दीदी का घर है पास में, तो उनका चलो होते हुए वहीं वहाँ पे भी मिल लेंगे थोड़ी बहुत देर, फिर शाम को फिर अपना काम धाम हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं दीदी के यहाँ के लिए, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, देखते रहिए। प्यार हो रहा था भाई बहन का, क्योंकि ये कह रहे थे बार बार इस दीदी मत जाओ, बुआ के यहाँ जा रहे। तो बस यहीं पास में ट्यूशन था, यहीं पर पास में दीदी का भी घर है, तो शिव गेट लग बजाने में लग रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए दीदी के यहाँ। तो ये देखो दीदी कैसी लेटी हुई हैं, क्योंकि वो इतना परिक्रमा वगैरह उन्होंने की है, तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो उन्हें फीवर वगैरह जैसा लग रहा था, तो कह रही बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी, तो वो ओढ़ आड़ के अपना लेटी हुई थी। और यहाँ पे भी चाय बनाई है, तो कह रही बहुत पैरों में दर्द हो रही है वही कहने में लग रही थी। और बस उसके बाद फिर हम भी आ जाते हैं घर, ईशिका आ जाती है ट्यूशन से, फिर मैं घर आ जाती हूँ। मैं भी फटाफट आके अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लगती हूँ, क्योंकि टाइम हो जाता है ना, फिर शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगती है, तो इसलिए दीदी बोल रही थी बैठ जा, मैं बैठी नहीं, मैं कह नहीं ज़्यादा देर नहीं बैठूँगी दीदी, फिर आऊँगी। और उसके बाद अभी टाइम नहीं है, अभी जाके झाड़ू भी लगानी है और सारा काम है, शाम के टाइम काम हो ही जाता है बहुत। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट झाड़ू लगाने में लग रही थी, मैंने कहा लगा दूँ जल्दी जल्दी से तो जाएगा। तो ये देखो आ गया है भाई, तो ये बोल रहा था मुझसे कि कहीं जाया करो ना, तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया करो कि हम घर पे नहीं हैं, तो इंसान को ऊपर चढ़ना नहीं पड़ेगा। हमने अच्छा, तो ये बोलने में लग रहा था क्योंकि ये बर्फ़ लेने आया था ना, तो बोल रहा था मैं एक बार आके चला गया। फिर उसके बाद मैं उसे बर्फ़ वर्फ़ देने के बाद में फिर मैं यहाँ पे शुरू हो जाती हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए थे, मेरा मन नहीं हो रहा था, सर में काफ़ी दर्द हो रही थी, तबीयत पता नहीं कुछ ऐसे ही हो रही है, तो बस यही सब पड़ा था। तो आज गए ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है फ्रेंड्स, छोटा सा ही मेरा ब्लॉग है, तो फुल वॉच के साथ देखिएगा। और कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, न्यू हो तो भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।